हक दो, हक दो, जीने का हक दो। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक जनता तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। जब तक भूखा प्यास रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। क्यों दिया मीडिया इंजाम ना मंजूर, ना मंजूर। क्यों दिया मीडिया इंजाम ना मंजूर, ना मंजूर। ग्रैंड अलायंस क्यों दिए, जिंदाबाद। ग्रैंड अलायंस क्यों दिए, जिंदाबाद। बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन, जिंदाबाद। मजदूर इतिहास, जिंदाबाद। क्यों दिए मीडिया इंजाम ना मंजूर, ना मंजूर। क्यों दिए ग्रैंड अलायंस, जिंदाबाद। क्यों दिए ग्रैंड अलायंस, जिंदाबाद। बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन, जिंदाबाद। तंग रहेगी, जंग रहेगी, जंग रहेगी। क्यों दिए पीडीए इंजाम ना मंजूर, ना मंजूर। क्यों दिए पीडीए इंजाम ना मंजूर, ना मंजूर। जातुजात देश करो, देश करो। ग्रैंड अलायंस क्यों दिए, जिंदाबाद। ग्रैंड अलायंस क्यों दिए, जिंदाबाद। बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन, जिंदाबाद। बलोचिस्तान लेबर फेडरेशन, जिंदाबाद। ना मंजूर, ना मंजूर। हुकूमती पॉलिसियां ना मंजूर, ना मंजूर। मजदूर मुलाजिम दुश्मन हुकूमती पॉलिसियां ना मंजूर, ना मंजूर। खासिम हक दो, जीने का हक दो। मजदूर दुश्मन खुदाई हुकूमत, मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मजदूर दुश्मन सूबाई उजरा, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे मुताबिक मंजूर, हक दो, हक दो, जीने का हक दो। सालिमो हक दो, जीने का हक दो। यूडीए पीडीए इंजिमाम ना मंजूर, ना मंजूर। तालिबान तस्लीम करो, हक दो, हक दो, जीने का हक दो। सालिमो हक दो, जीने का हक दो। हाय हाय, ये पोस्टे खा गए, हाय हाय। ये फंड भी खा गए, हाय हाय। ये महकमे खा गए, हाय हाय। आज क्वेटा में मुख्तलिफ नौयत के मुजाहरे मुलाजमीन और मजदूरों ने रखे। एक जानब यहाँ पर इस टाइम प्रेस क्लब के सामने क्यू डी एम्प्लॉज ग्रैंड अलायंस के ज़ेर तमाम मुनाफा बख्श बलोचिस्तान के मुनाफा बख्श अदारों की निजकारी और डाउन साइजिंग के ख़िलाफ़ और महकमों को एक दूसरे में मर्ज करने के ख़िलाफ़ जो हुकूमती पॉलिसियाँ जारी हैं उसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज जारी है। और मुलाजमीन इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि जो बलोचिस्तान के और ख़ासकर क्वेटा के जो बड़े मुनाफा बख्श इदारे हैं उन्हें जान पूछ कर निजकारी के अमल में क्यों घसीटा जा रहा है। इससे मुलाजमीन के जो है माशी तहफ़ात भी वाबस्ता हैं। निजकारी का अमल, जैसा कि तमाम दुनिया को इलम है कि निजकारी जब होती है तो उसमें सबसे पहले वार जो है वो उन गरीब मुलाजमीन पर किया जाता है जिनके रोज़गार यहाँ वाबस्ता होते हैं उन अदारों से और उनके घर के चूल्हे जल रहे होते हैं। लिहाजा हम इस तमाम नारवा अमल की मजम्मत करते हैं। दूसरी जानब जो है बोलान मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुलाजमीन जो गुज़िश्ता 2 माह से अपने एहतजाज में हैं और उन्होंने कैंप लगाया हुआ है वहाँ पर, स्टूडेंट्स मुलाजमीन और मज़दूर अपने जायज़ मसाइल के हल के लिए अपने मुस्तकबिल के तहफ़ के लिए एहतजाज में हैं। उनकी भी रैली जो है अजीम शान रैली, उनकी भी ज़ैब शाहवानी और हाजी अब्दुल्ला साफ़ी की क़यादत में यहाँ पहुँचने वाली है, उनके साथ मिलकर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। असल में बात यह है कि क्यू डी ए जो है क्वेटा शहर के लिए एक तरक्की अदारा बना है जो कि तमाम पाकिस्तान के तमाम कैपिटल शहरों में मौजूद है और वो आवाम को सस्ते घर प्रोवाइड करते हैं। आप देखें कि ये जो कंजस्टेड एरिया है क्वेटा के आबादी के लिए जो 50,000 लोगों के लिए बनी थी आज 30 लाख है, तो क्यूडीए की वजह से बहुत सारी बेशुमार स्कीमें आई, खसूसन सेटेलाइट और बस ट्रक अड्डा, सब्ज़ी मंडी वगैरह और बहुत सारे जो वहाँ पर जब बर्डन ज़्यादा हुआ तो वहाँ से फिर अजारगंजी जो एशिया की सबसे बड़ी जो बस ट्रक अड्डा और सब्ज़ी मंडी है तो उसको वहाँ पे क्यूडीए ने मुंतकिल कर दिया। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कारनामा है और बेशुमार स्कीमें दी, चमन स्कीम, चिल्तन स्कीम, जरगुन स्कीम और समंगली स्कीम। आप देखें कि इसके अलावा जो हुकूमतें आती हैं क्यूडीए से काम लेती है और सस्ती बस्ती बेनज़ीर स्कीम, क्वेटा में 2 बड़े पार्क बनाए,
गैलानी पार्क, बेनज़ीर पार्क, क्यूडीए फैमिली पार्क, सेटेलाइट टाउन में 3 पार्क बनाए। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो क्यूडीए के सरपरस्ती करे, क्यूडीए के को से मैंडेट के मुताबिक काम ले, और अब तक भी क्यूडीए 100% उसमें कामयाब रहा। अगर क्यूडीए को ही ख़त्म करना है तो आवाम के लिए कौन काम करेगा? अमल हम मज़ीद इसको सख्त करेंगे और आखिरी दम तक जाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। इसके अलावा हम हाई कोर्ट में भी केस लगाएंगे। हम पहले भी गए थे तो जस्टिस साहब ने कहा कि जब अगर आर्डर हो जाते हैं मर्जर का तो आप आ जाएं। तो हम समझते हैं कि ये मसला चूँकि सिर्फ क्यूडीए के मुलाजमीन का नहीं है, ये मसला जो है पूरे क्वेटा शहर और बलूचिस्तान के लोगों का है, जो इंसानी हकूक की बुनियाद फंडामेंटल राइट्स भी शामिल है। आज अगर क्वेटा शहर में इतने मकानात, इतने स्कीमें, इतने कारोबार नहीं होते तो लोग क्या करते? आज जो डाके और चोरियां और दूसरे मामला, नशों के लोग आदि हो चुके हैं, यही हाल है कि लोग बेरोज़गार हैं। तो क्यूडीए ने लाखों लोगों को रोज़गार मुहैया किया है।